सिखा ने तीसरे तख्त तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब विखे बापरी बेअदबी की मंदभागी घटना के तार डेरा सच्चा सौदा के नाल जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों एक वीडियो साझी करते हुए वड्डे खुलासे किए गए हैं, जिस दे विच उन्हां आखे कि जिस दोषी व्यक्ति वालों इस बेअदबी की घटना को अंजाम दिता गया उसका संबंध डेरा सच्चा सौदा के नाल है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों किए गए इस खुलासे तो बाद बेअदबी की घटना होर भी गंभीर होंदी हुई नज़र आ रही है। दसी कि जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों एक गल आखी गई है कि जो दोषी व्यक्ति है उसका बाप डेरा सच्चा सौदा की 7 मैंबरी कमेटी का मैंबर है। इस तों अलावा वह व्यक्ति खुद भी डेरा सच्चा सौदा नाल संबंधित है, उसका विआह भी डेरे दे विच ही होया है। इस नाल ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों यह भी गल आखी गई कि जब इस घटना वाले दिन वो व्यक्ति अपने घरों निकलता है तो लगातार वह अपनी पत्नी के नाल फोन के उपर राबता कायम रख रहा है, जिस तों बाद इस घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत ही दोषी व्यक्ति वालों अंजाम दिता गया है। यह वड्डा खुलासा करन दे नाल नाल जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह भी अपील की है ते गल आखी है कि अजिहियां बेअदबी दीआं घटनावां पिछे जो ताकतां ते शक्तियां काम करदियां ने उन्हां दा पर्दाफाश किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारां नूं भी चेतावनी दिती है कि जेकर अजिहियां घटनावां ते सरकारां वल्लों रोक नहीं लगाई जाएगी तो सिख संगत जो भी कदम उठावेगी उसकी जिम्मेवार खुद सरकार ही होगी। इस नाल ही उन्हां आखी कि अजिहियां घटनावां पिछे जो ताकतां ते शक्तियां काम करदियां ने उन्हां दा पर्दाफाश करन दा काम सरकारां दा बनता है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों इस मामले दे विच की वड्डे खुलासे किए गए हैं ते किस तरह इस बेअदबी की मंदभागी घटना के तार डेरा सच्चा सौदा के नाल जुड़ते हैं, इस वीडियो राही तुसी खुद सुन सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल जो श्री आनंदपुर साहब तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे मंदभागी घटना वापरी है, उस नाल समुचे सिख जगत के अंदर बड़ी गुस्से की लहर है और सारे सिखां दे हिरदे जिहड़े ने वह बलूंदरे गए ने। और मैनू जिहड़ी जानकारी मिली है उसके मुताबक जिस भी घटिया किस्म के इंसान ने यह काम किया जिहड़ा फड़िया होया पुलिस कस्टडी दे विच है, उहदियां तारां जिहड़ियां ने सीधे तौर दे उत्ते सौदे साध नाल जुड़दियां ने। सौदे साध की 7 मैंबरी कमेटी का मैंबर जिहड़ा इहदा बाप है और इहदा विआह भी जिहड़ा है सौदे साध के डेरे च होया, ते इह आप भी सौदे साध का बहुत वड्डा जिहड़ा है वह चेला है। और जदों इह 9 बजे अपने घरों निकलिया ते लगातार ही इहदा जिहड़ा राबता सी फोन दे उत्ते वह इहदी घरवाली नाल सी। पुलिस ने इसनों फड़िया। असी यो चाहते हैं कि सरकार जिहड़ी है वह दसे कि इहदे पिछे किहड़ियां ताकतां कम करदियां ने। जे इस इंसान दे पिछे सौदा साध है इस घटना नूं अंजाम देण वाला जां सौदा साध दा सैक्ट है ते फिर उहदे भी पिछे किहड़ियां वड्डियां ताकतां ने जिहड़ियां सिखां नूं जिहड़ा है परेशान करना चाहुंदियां ने, सिखां दा अपमान करना चाहुंदियां ने, सिखां दे हिरदे बलूंदरना चाहुंदियां ने। इहदी घरवाली ते भी कार्रवाई जिहड़ी है होनी चाहीदी है और इहदे ते भी जिहड़ी है वह कार्रवाई होनी चाहीदी है। ते मैं अमरीका दीआं भी सिख संगतां नूं अपील करूंगा कि इत्थे इहदा बाप जिहड़ा इहनूं पैसे भेजदा है उहदा खुरा खोज जिहड़ा उह कढ़िया जावे। असी भी सहायता करांगे, पता करवावांगे कि कौन है इहदा अमरीका दे विच बैठा बाप जिहड़ा इहनूं पैसे भेजदा है, इहो जिहियां घटियां कार्रवाइयां करवाउण दे लई उकसाउंदा है। ते इहदे लई सौदे साध दे उत्ते भी जिहड़ा उह मामला दर्ज होना चाहीदा है ते जिहड़ी उहनां दी प्रबंधक कमेटी है सौदे साध दे डेरे दा प्रबंध चलाउण वाली उहदे ते भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहीदी है। क्योंकि पता इस घटना तों इहो ही लग रिहा है कि अजे भी इह लोग जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करन वास्ते अपने चेलिया नूं उकसा रहे ने। ते मैं सरकार नूं भी इह कहना चाहुंदा कि जे किसे सिरफिरे घटिया कर्म करन वाले बेअदबी करन वाले दा मौके दे उत्ते किसे सिख ने या संगतां ने कठियां होके कोई नुकसान करता जानी या माली या कोई भी होर किसी किस्म दा नुकसान कर दिता ते उहदा जिम्मेवार जिहड़ा है वह खुद होएगा ते सरकार होएगी।
ना कि सिख संगत नूं असीं जिहड़ा दोषी मन्नांगे ना किसी सिख नूं असीं दोषी मन्नण देंगे। ते सरकार दा फर्ज बनता है कि इहदे पिछे जिहड़ियां ताकतां साजिशां काम करदियां ने उहनूं बेनकाब करन। ये सिखां दे हिरदे वलूंदरे जा रहे ने, सिखां दे मानसिक जिहड़ी पद्धति है उहनूं सट मारन दा वड्डा जतन हो रहा, सिखां नूं विचलित करन दे जतन हो रहे ने। ये किसी कीमत दे उत्ते सिख कौम जिहड़ी आ उह बर्दाश्त नहीं करूगी। तो मैं फिर एक बारी ये अपील करना चाहना समुचे सिख जगत नूं कि सावधान होइए, बेअदबियां करन वाले जिहड़े ने जिन्ना चिर इन्हां नूं सख्त सजावां नहीं मिलदियां उन्ना चिर ये बेअदबियां करन वाले जिहड़े आ बेअदबियां करन वालों रुकणगे नहीं। इन्हां नूं सख्त सजावां जिहड़ियां ने उह दित्तियां जाणियां चाहीदियां ने और सख्त सजावां दी असीं मंग करदे हां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। दासी की तक्षी केसगढ़ साहिब विखे वापरी बेअदबी की मंदभागी घटना 13 सितंबर की है, जब परमजीत सिंह नामक एक व्यक्ति वालों दरबार साहब के अंदर सिगरट पी के सिगरट का धुआं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के वल छड्या जाता है, तो उस तो बाद सिगरट रागी सिंघां दे पिछे सुट दी जाती है। इस मामले दे विच उत्थे मौजूद सेवादार वालों पुलिस के सामने जो FIR दर्ज करवाई गई है उसके साफ तौर पर गल आखी गई है कि इस दोषी व्यक्ति वालों सोच समझ के इस साजिश को अंजाम दिता गया। फिलहाल पुलिस वालों मामला दर्ज कर लिया गया, 295A की धारा के तहत धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने के मामले तहत दोषी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पर लगातार बढ़ रही बेअदबी दी घटनावां ते हुण इस घटना तो बाद सिख हिरदियां दे विच भारी रोस देखने मिल रहा है। सिख संगतां ते सिख जथेबंदियां वालों इंसाफ की मांग की जा रही है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों हुण बेअदबी दी घटना ते दिते गए इस अहम बयान तो बाद पुलिस वालों इस मामले विच की कार्रवाई की जाएगी, अते जेकर पुलिस नूं इस गल दा पता लग गया है कि डेरा सच्चा सौदा दे नाल इस घटना दे तार जुड़दे ने तां इंसाफ कद तक मिलेगा ये देखना होवेगा।